हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपका? आज हम ट्वेल्थ क्लास का टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। ठीक है, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज के टॉपिक होगा अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू चार्ज एंड दिस इज प्लस क्यू चार्ज। दिस इज द सेंटर ऑफ डायपोल एंड टोटल लेंथ जो है डायपोल की वो कितनी है, 2a। तो डायपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम सभी जानते थे, 1/4πε0Q/r। अब डायपोल के केस में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल लाइन पे और इक्विटोरियल लाइन पे होगा, और एक हमारा टॉपिक होगा एट एनी पॉइंट। तो हम सबसे पहले देखते हैं एक्सियल लाइन, सॉरी एक्सियल पॉइंट। इस लाइन को आप आगे बढ़ाओ, ये एक्सियल लाइन है, और इस एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट पी मान लिया हमने। इस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और ये जो पॉइंट पी है हमने मान लिया सेंटर ऑफ डायपोल से और डिस्टेंस आर पे है। अब हम क्या करेंगे, डायपोल है हमारे पास, दो चार्जेज हैं, तो वन बाय वन क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे इस पॉइंट पे, और प्लस के चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, और हम इसका टोटल कर देंगे। तो देखो, जो चार्ज पॉइंट ए पे है इसकी वजह से पोटेंशियल मान लिया हमने वी वन, वी वन विल बी 1/4πε0Q/r। ये डिस्टेंस अगर आप देखोगे कितनी होगी, ये क्या है, 2a, और ये हमारी टोटल कितनी आ गई, r, है ना। तो यानी r में ये सिर्फ हाफ जो है यानी a ऐड होगी, तो इसको हम लिखेंगे r प्लस a। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ v2 प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे निकालो, वो क्या होगा, 1/4πε0Q/r-a। इक्वेशन सेकंड, एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इसको हम सम कर देंगे, टोटल निकालेंगे, तो v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, इसका रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों में देखोगे आप, ये पॉइंट p जो है प्लस q चार्ज के बिल्कुल पास में है, की वजह से पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो 1/4πε0, ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, Q/r-a 1/4πε0Q/r+a कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये जो सेकंड इक्वेशन थी ये फर्स्ट इक्वेशन थी, यहां पर मैंने लिखा v इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, है ना, टोटल करना है। तो ये यहां पर देखोगे इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसकी कम है, इसलिए मैंने यहां पर v2 लिख दिया और माइनस में v1, इसका जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे इसलिए मैंने यहां पर लिखा। तो यहां पर टोटल करेंगे, Q/4πε0 कॉमन, Q/4πε0 कॉमन आ गया, यहाँ पर रह गया r-a-r+a। जब आप इसको सोल्व करोगे तो Q/4πε0 एज इट इज, इसमें से r²-a² कॉमन, ये हो गया r+a-r-a, R से R कैंसिल, A और ये अंदर बार माइनस के अंदर जाके
प्लस हो गया तो ये टोटल हो गया 2a, तो ये आ गया अपने पास q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब q इंटू 2a ये क्या होता है, सभी को पता है ये होता है हमारा p, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, दिस इम्प्लाइज v विल बी q इंटू 2a हो गया p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आर की वैल्यू, ये जो आर है बहुत ज़्यादा हो जाए किसकी बजाय, इस ए की बजाय, क्योंकि टोटल तो 2a है और ये क्या है a, तो हम a को नेगलेक्ट कर सकते हैं। सो इफ आर इज ग्रेटर देन a, देन a को आप नेगलेक्ट कर दो और ये इक्वेशन बन जाएगी अपने पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर।